तो व्हाट्सअप गाइज, गुड इवनिंग। फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आरती ड्रग्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आज देख सकते हो करीबन 2% की तेज़ी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगा आगे, उसी के बारे में बात करेंगे और दोस्तों इसका आगे का टारगेट भी बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। 5 डे की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भयंकर गिरावट हुआ था, 663 रुपये तक ये शेयर आ गया था, लेकिन अभी देखिए ये शेयर 681 में ट्रेड हो रहा है। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे 720 था, उसके बाद गिरकर 664 हो गया था। ठीक है, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे। तो यहाँ पर 1 ईयर देखेंगे 7% की गिरावट, मैक्सिमम अगर हम लोग देखेंगे 6290% की रिटर्न ये कंपनी दिया है। इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 1000 रुपया है। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा 7200 से ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो अभी अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किए 680, अभी का जो प्राइस है 680 है, आगे का टारगेट क्या रहेगा 949 यानी 949 रुपया इसका टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा टारगेट है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस आप दिखाओगे तो ये जो टारगेट है ये आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आज की डेट में अगर हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो अक्टूबर 2020 में लगाया था 1026 रुपया और अगस्त 2020 को ये लगाया था 425 रुपया। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई है ये, और आज की डेट में करीबन 31% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो नवंबर 2020 को ये डिविडेंड दिया था ढाई रुपया करके। उसके बाद 27 जुलाई को रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी इतना खास नहीं था इसीलिए शेयर नीचे गिरा, और प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है। अगर इसका हम पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे तो 6199 इसका शेयर कैपिटल है, और दोस्तों इसका हाई तो 1027 रुपया है, लो है 425 रुपया। सेक्टर पी 25 पे, बुक वैल्यू 98 है, डिविडेंड कंपनी 0.37 प्रोवाइड करता है, ROC 34 है, ROE यहाँ पर 35 है, फेस वैल्यू 10 का है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे कंपनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में ये काम करता है, मेडिसिन वगैरह बनाता है, ग्लैंड फार्मा लिपोन वही सेक्टर में काम करता है और 8 नंबर पर आता है। क्वार्टरली अगर हम लोग सेल्स देखेंगे 500 का एक्सपेंड किया गया था, 580 का यहाँ पर सेल हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्वार्टर वाइज थोड़ा सा गिरावट में दिख रहा है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे करके गिरावट में चल रहा है, 52 से 49 हो गया है करोड़। उसके अलावा ईयर वाइज अगर हम लोग देखेंगे 1807 का एक्सपेंड किया गया था, 2190 का यहाँ पर सेल हुआ है, यानी जितना एक्सपेंड किया गया था उससे ज़्यादा हुआ है सेल। अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पर ईयर वाइज भी प्रॉफिट हम लोग को गिरावट में दिख रहा है, क्योंकि 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 में और 244 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2021 में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 36% की रिटर्न लास्ट ईयर दिया है। अगर हम लोग शेयर कैपिटल देखेंगे तो 93 है, 93 है शेयर कैपिटल। रिजर्व कंपनी के पास 820 करोड़ का रिजर्व है, और कर्जा देख सकते हो धीरे धीरे करके कंपनी कर्जा कम कर रहा है। 2019 में 507 करोड़ का कर्जा था, उसके बाद 2020 मार्च को 389 कर दिए, अभी 305 का कर्जा है, और रिजर्व भी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि 820 अभी रिजर्व है और दोस्तों 305 इसका कर्जा है। अगर हम लोग एसेट देखेंगे, एसेट में भी थोड़ा सा तेज़ी है। अगर हम लोग कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो में भी तेज़ी है, मतलब सेम है। अगर हम लोग होल्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60% है प्रमोटर के पास, FI वालों के पास दोस्तों 2.57 है, DI वालों के पास 2% है, और पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा माल उठा के रखे हैं, 35% रखे हैं। तो दोस्तों मैं जो टारगेट आपको दे रहा हूँ 949 इसका टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अभी 600 कुछ रुपए में ट्रेड हो रहा है, 680 रुपये में ट्रेड हो रहा है। तो मैं जो टारगेट दे रहा हूँ हाई टारगेट दे रहा हूँ, आपको वो पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने तक आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों टारगेट अचीव कर पाएगा ये। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।